कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर। इन वीडियोस को देखकर सिर्फ कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति और उनकी मां के आंखों में आंसू नहीं थे। जिसने भी ये वीडियो देखा उसकी आंखें डबडबा गईं। कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन साथ में गर्व भी था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 7 जवानों को मरणोपरांत सम्मान दिया। इस दौरान कैप्टन अंशुमान सिंह को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान प्राप्त करने के लिए कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति समारोह में मौजूद थी। सम्मान समारोह के दौरान स्मृति काफी भावुक दिखी। पति को खोने का दुख अपनी आंसुओं में समेट कर उन्होंने राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र प्राप्त किया। आंखें नम कर देने वाली सम्मान समारोह की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्म पत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। सम्मान समारोह के बाद स्मृति ने अपने पति कैप्टन अंशुमान सिंह के बारे में बताया। साथ में ये भी बताया कि दोनों पहली बार कहां और कब मिले थे। स्मृति ने बताया कि जब दोनों कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी मुलाकात हुई थी। इस दौरान स्मृति ने कहा, हम दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो लव एट फर्स्ट साइट थी। एक महीने के बाद वो आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गया। हम दोनों की मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गया। वास्तव में वो जीनियस था। एक महीने की मुलाकात के बाद हम दोनों के बीच 8 सालों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चली। इसके बाद हम दोनों ने शादी रचाई। शादी के 2 महीने बाद ही उनकी सियाचिन में पोस्टिंग हो गई। 7 और 8 घंटे तक हमें यकीन ही नहीं हुआ कि ये बात सच भी है। लेकिन अब जब मेरे हाथ में कीर्ति चक्र है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे लिए हीरो है। उन्होंने दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हम किसी तरह अपनी जिंदगी जी लेंगे। We met on the first day of college and I would not be dramatic but it was love at first sight and after a month he got selected into AFMC. We met in an engineering college, he got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house. We're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's nowhere. What? So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till later, I'm not popping up. I'm just trying to figure out. Maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. He's a hero. So we can manage a little of our lives because he's managed a lot. He's given up all his life, all his families, just to save other 3 families, his army family.